हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका वोटर कार्ड है आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, NVSP आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, चलिए मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया, यार यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि मैंने सर्च कर लिया, उसके बाद देखिए पहली साइट ही आपको मिल जाएगी, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार का आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ईपिक डाउनलोड। ईपिक डाउनलोड वाला इसी में होता है आपका वोटर कार्ड। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं आपके पास ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एस न्यू। तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट बनाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अभी आप काम करेंगे तो आपको कम से कम एक अकाउंट तो होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल के, यहाँ पर पासवर्ड डाल के, यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है, या फ़ोन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सेंड OTP पे क्लिक करके आपको OTP फिल करके आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं तो चलिए इस पर यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हम अपने यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए ईपिक डाउनलोड फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ईपिक नंबर फॉर रेफरेंस नंबर। ईपिक नंबर मतलब अगर आपके पास पहले से ईपिक नंबर है तो यहाँ पर डाल के यहाँ पर अपना स्टेट यहाँ पर जैसे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद सर्च पे आपको क्लिक कर देना। अगर आप रेफरेंस नंबर है मतलब कि आपने जब इसके लिए अप्लाई किया होगा तो आपको रेफरेंस नंबर एक मिला होगा, तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल के यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका अपना ईपिक नंबर यहाँ पर मेरे पास है, नहीं तो मेरे पास रेफरेंस नंबर भी है, मैं रेफरेंस नंबर डाल के यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे मतलब डाल देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ईपिक नंबर आपको दिखाई देगा, नेम दिखाई दे देगा, रिलेटिव नाम दे देगा। रिलेटिव नाम देने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट दे देगा, उसके बाद AC दे देगा, मोबाइल नंबर दे देगा, ईमेल आईडी दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये मेरा वो क्या कहते हैं, तो इसमें क्या है, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है इसलिए कह रहा है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेंड OTP का। सेंड OTP पे क्लिक करके आपको OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा रजिस्टर नहीं है यही बता रहा है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।